एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है, यहां पर आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं अलग अलग, 252, 180, 1008 ऐसे करके चार पांच नंबर दिए हुए हैं। ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे के सारे नंबर नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। इनमें से कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है या फिर स्क्वायर नंबर नहीं है। अब आपको क्या करना है, इन नंबर्स को स्क्वायर नंबर बनाना है, एक परफेक्ट स्क्वायर आपको बनाना है। कैसे बनाना है, कोई एक ऐसा नंबर आपको ढूंढना है, कोई भी ऐसा होल नंबर जिससे कि यहां दिए हुए नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। जैसे कि 252 दिया हुआ है, 252 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे कि 252 को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो जो नया नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है। और जब वो नया नंबर आ जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो उसमें का उसका आपको स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे, ये अपन चलो व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। देखो फिफ्थ क्वेश्चन का जो पहला प्रॉब्लम दिया हुआ है 252, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो नंबर है ये एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे कि इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये नंबर मल्टीप्लीकेशन के बाद एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका एक सीधा सा प्रोसेस है। सबसे पहले आप जो भी नंबर आपको दिया हुआ है उसका आपको एलसीएम निकालना है। देखो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है और नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, ये सब कुछ आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैं बता चुका हूँ। जो सबसे पहला एक्सरसाइज था उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा परफेक्ट नंबर क्या होता है, नॉट ए परफेक्ट नंबर क्या होता है, या परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, या नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा एक्सरसाइज 6.1 का, तो उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो आप देख लेना जाके, ठीक है। जो सबसे पहला वीडियो होगा सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के नाम से, उसमें आपको सब पता चल जाएगा। तो हम किसी भी नंबर को फाइंड आउट भी कर सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ये हम पिछले एक्सरसाइज में भी देख चुके हैं, ठीक है। इसके लास्ट डिजिट से पता चल जाता है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसके लास्ट में 1, 4, 9, 5, 6 या 0 आता है, ठीक है। और जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है उसके लास्ट में या तो 2 होगा, 3 होगा, 4, 5, 6, 7 होगा या फिर 8 होगा, ठीक है। किसी नंबर के लास्ट में अगर ये सारे इनमें से कोई भी नंबर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब यहाँ 252 में लास्ट में 2 है तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जिस किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है वो कैसे पता चलेगा, पहले इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। 252 का अगर आप एलसीएम निकालोगे, लास्ट में इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 2 4, यहां बच गया 1, ये हो गया 12, 2 6 12, फिर से इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12 और 2 3 6। अब ये इवन नंबर नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं, 2 से तो हो नहीं सकता, 3 से ट्राई करते हैं, 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 3 2 6 और 3 1 3, 21 आ गया। फिर से 3 से डिविजिबल है, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 21। अब ये जो 7 है ये सिर्फ 7 से डिवाइड हो सकता है, प्राइम नंबर है, तो 7 से डिवाइड करेंगे, 1 आ गया। अब इसका जो एलसीएम आया उसको लिख के देखते हैं, यहाँ पर आएगा देखो 2 × 2 × 3 × 3 × 7, ठीक है, 2 बार 2 है, 2 बार 3 है, 1 बार 7 है। अब हम लोगों को यहाँ पर पेयर देखना है, तो देखो 2 का एक पेयर है, 3 का एक पेयर है, लेकिन 7 का कोई भी पेयर नहीं है, ठीक है, 7 अकेला है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, 252 को 7 से मल्टीप्लाई कर देना है ताकि यहाँ पर एक और प्लेयर पेयर बन जाए, ठीक है। क्या करेंगे, देखो 252 × 7, अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 252 को 7 से मल्टीप्लाई किया जाए, 7 2 14, 7 5 35 प्लस 1 36, 7 2 14 15 16 17 1764। अब देखो 1764 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है,
ये आप इसके लास्ट डिजिट से पता कर सकते हो। परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट डिजिट में 1, 4, 9, 5, 6 या 0 आता है, तो यहाँ पर लास्ट में 4 है, इसका मतलब ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो जिस नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना था 252 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, वो नंबर है 7। और ये हम लोग कैसे फाइंड आउट किए, इसका एलसीएम निकाल के। ठीक है, जो भी नंबर दिया हुआ है उसका आप एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने के बाद जो भी नंबर पेयर नहीं बना पा रहा है, जैसे कि 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, लेकिन 7 का पेयर नहीं है, 7 अकेला है, तो क्या करेंगे, उसी नंबर से, जो नंबर अकेला है उस नंबर से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोगों को एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको मिल रहा है इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए आप रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड का भी यूज कर सकते हो या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 1764 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान देना यहां पर आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मिलेगा, इससे आपका टाइम सेविंग भी होगा। ठीक है, 1764 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। लास्ट में इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करते हैं। 2 8 16 हो गया, यहां बच गया 1, ये भी 16 हो गया, 2 8 16 हो गया, ये 2 2 4 हो गया, फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 4 8, 2 4 8 और 2 1 2। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो अब एक काम करते हैं, इसको 3 से ट्राई करते हैं। 3 1 3 हो गया, 1 बच गया, ये 14 हो गया, और 3 4 12, 2 बच गया 21, ये हो जाएगा 3 से। देखो 3 1 3, 1 बचा, यहाँ पर गया 1, ये हो गया 14, 3 4 12, यहाँ 2 बच गया, ये हो गया 21, 3 7 21। 147, क्या ये 3 से डिविजिबल है, ट्राई करते हैं। 3 4 12 हो जाएगा, 2 बचेगा, ये 27 होगा, 3 9 27 हो जाएगा। 3 से अगर डिवाइड करेंगे, 3 4 12, ठीक है, यहाँ बच गया 2 और ये हो गया 27, 3 9 27। अब देखो 49 3 से डिविजिबल नहीं है, 7 से लेकिन डिविजिबल है, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 49, फिर से अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में। अब यहां पर देखो क्या आ रहा है इसका एलसीएम, 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। ठीक है, 2 × 2 3 × 3 7 × 7, इसको हम लगेंगे स्क्वायर रूट के अंदर। अब यहां पर इंटरेस्टिंग क्या चीज है, आप देखो जब कभी भी आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर यहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, यहां पर आपने पेयर फाइंड आउट किया, जो पेयर नहीं बना पा रहा है उससे आप मल्टीप्लाई कर दिए तो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल गया। अब इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आपको अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको ये सब चीज करने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान दो, यहां पर जब आप 252 का एलसीएम निकाले थे, 2 × 2 3 × 3 और 7 अकेला बच गया, तो यहां पर भी 2 × 2 आ गया, 3 × 3 आ गया, 7 × 7 आ गया। ठीक है, तो यहां पर जिस चीज की कमी थी, ठीक है, 7 पेयर नहीं बना पा रहा था, बस वो एक एक्स्ट्रा पेयर यहां पर बन गया है, तो आपको ये सब यहां पर स्क्वायर रूट का, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने की कोई जरूरत नहीं, इसका एलसीएम निकालने की कोई जरूरत नहीं है। इसका रेफरेंस लेके आप यहां पर डायरेक्टली लिख सकते हो, जितने नंबर्स होंगे वो सबको लिखना है और लास्ट में जो पेयर नहीं बना पा रहा था वो यहां पर आपको बना देना है, क्योंकि किए क्या है हम लोग, तो सिर्फ यहां पर 252 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो लास्ट में एक 7 एक्स्ट्रा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी वर्ड्स में बताऊं तो आपको जब स्क्वायर नंबर मिल जाए तो ये सब चीज नहीं करना है, जो एलसीएम आप पहले निकाल चुके हो उसमें से जो पेयर नहीं बन रहा था उसका बस पेयर बना देना है। तो यहां से अब एक एक नंबर बाहर निकलेगा, ये हो गया 2 × इस 3 का पेयर में से एक 3 बाहर आ गया, 7 के पेयर में से एक 7 बाहर आ गया, 2 × 3 हो गया 6, 6 × 7 हो गया 42, 1764 का स्क्वायर रूट हो गया 42। ठीक है, मैं इसको रब करता हूं, इसका सेकंड क्वेश्चन भी देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन का जो सेकंड प्रॉब्लम दिया हुआ है, सेकंड में दिया है 180 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हम लोगों को इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे मल्टीप्लाई करने पर यह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। कुछ नहीं करना है अपन को, पहले 180 का एलसीएम निकालना है। 180 का एलसीएम अगर निकालेंगे, इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 18 और 2 0 0, फिर से लास्ट में 0 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 4 8 और ये 1 बच गया, इधर चले गया, हो गया 10, तो 2 5 10, अब आ गया 45, तो 45 को अगर आप देखोगे 3 से डिविजिबल है, 3 से कर लेते हैं, 3 1 3 ये हो गया 15, तो 3 5 15,
15 भी 3 से डिविजिबल है, 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 5 3 5 15, 3 × 5 15 हो गया, लास्ट में बच गया 5, तो 5 के डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में। इसका एलसीएम आ गया 2 × 2 × 3 × 3 × 5, यहाँ लिख लेते हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अब आप यहाँ देखो 2 का एक पेयर है, 3 का एक पेयर है, लेकिन 5 सिंगल है, तो क्या करेंगे जे इस 180 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो नंबर लास्ट में अकेला बच जाता है उसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 180 × 5, अगर 180 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 5 × 0 = 0, 5 × 8 = 40, 5 × 1 = 5 + 4 = 9, ये हो गया 900। 900 एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि जब किसी नंबर के लास्ट में डबल जीरो आ जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर किसी नंबर के लास्ट में सिंगल जीरो है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। अब क्या करना है आपको, इस 900 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो मैं पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ शॉर्टकट मेथड, आपको इसका एलसीएम निकालने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ लिखेंगे √900 = ये जितने नंबर थे आपको पहले यहाँ लिख लेना है 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अब आपको क्या करना है, 180 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई किए थे इसलिए यहां पर एक एक्स्ट्रा 5 भी आ जाएगा, ये हो जाएगा × 5, और ये सब कुछ रहेगा अंडर रूट में। अब यहां सबका पेयर बन गया, 2 का पेयर, 3 का पेयर, 5 का पेयर, एक एक नंबर बाहर निकाल लेंगे, 2 से एक 2 बाहर निकलेगा इंटू इस पे 3 के पेयर से एक 3 बाहर निकला इंटू 5 के पेयर से एक 5 बाहर निकला, मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30, तो ये हो गया 30। तो 900 का स्क्वायर रूट हो गया 30। इसका दो आंसर कौन कौन सा है, वो नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा वो है 5, और वो नंबर जो इस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट है वो है 30, ठीक है। 5 और 30 इसका आंसर है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसी का यही पर कर देता हूं मैं, इसका जो थर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, फर्स्ट का जो थर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है 1008। अब देखो 1008 भी जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में 8 है, आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, अगर आपको नहीं पता है तो आप फर्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा एक्सरसाइज 6.1 का, उसमें जाके जो सबसे पहला वीडियो होगा सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के नाम से, वो आप देख लेना, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, किसी भी नंबर को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। वो सब कुछ मैं उसमें डिटेल बता रखा हूँ। अब देखते हैं 1008 इसको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसका एलसीएम निकाल लेना है 1008 का, लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करते हैं, ये हो गया 2 × 5 = 10, 2 × 0 = 0 और 2 × 4 = 8, फिर से लास्ट में इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 2 = 4, यहां बच गया 1, ये हो गया 10, 2 × 5 = 10 और ये 2 × 4, फिर से लास्ट में इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है, 2 से करेंगे, 2 × 1 = 2 और ये हो गया 2 × 2 = 4, यहां बच गया 1, ये हो गया 12, 2 × 6 = 12, फिर से लास्ट में इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6। अब ये लास्ट में इवन नंबर नहीं है, लास्ट में ऑड नंबर है तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 3 से ट्राई करते हैं, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, फिर से 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 × 7 = 21, अब लास्ट में बच गया 7 से 1 टाइम्स में, तो इसका एलसीएम क्या है, 1 2 3 4, 4 बार 2 है, ये हो गया 2 × 2 × 2 × 2 × 2 इंटू 2 बार 3 है 3 × 3 इंटू 1 बार है 7, ठीक। तो यहाँ देखो 2 का एक और एक दो पेयर है, ठीक है, ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, 3 का भी एक पेयर है लेकिन 7 अकेला है, तो अब क्या करेंगे, 1008 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे कि हमको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। 1008 × 7 मल्टीप्लाई करते हैं 1007 × 8, आठ ही साथ ही 56, 8 × 0 = 0 प्लस 5 5, 8 × 0 = 0, 8 × 1 = 8, ये आ गया 8056, सॉरी मैं गलत मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, इसको हम लोग को 7 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, इसे कर लेते हैं, यहाँ पर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 1008 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 7 × 8 = 56, 7 × 0 = 0 प्लस 5 5, 7 × 0 = 0, 7 × 1 = 7, तो आ गया 7056। अब 7056
एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, आप नंबर देख के बता सकते हो, इसका लास्ट डिजिट है 6, ठीक है। एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में 6 आता है। अब हम लोग को क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए 7056 अपन लिखेंगे स्क्वायर रूट के अंदर इज इक्वल्स टू, यहां पर आपको इसका एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, पहले इसका 1008 का जितना भी फैक्टर्स था वो लिख लेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 चार बार 2 है, × 3 × 3 × 7 अकेला था, यहाँ पर 7 का भी पेयर बन जाएगा क्योंकि इसी 7 से हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई किए हैं। तो 2 का एक पेयर, 2 का दूसरा पेयर, 3 का एक पेयर, 7 का एक पेयर, अब सब सारे पेयर में से एक एक नंबर बाहर आएगा, 2 × 2 × 3 × 7, ठीक है। यहाँ का एक 2, यहाँ का एक 2, यहाँ का एक 3 और यहाँ का एक 7, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 7, 12 × 7 ये हो गया, 7 × 2 = 14, 7 × 7 और 1 × 8 84, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। यानी कि 7056 का जो स्क्वायर रूट है वो 84 ही आएगा, अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे तो भी आपको आंसर 84 ही मिलेगा, ठीक है। तो मैं इसको रब करता हूँ, फिफ्थ का 2 हो गया है, और भी देखते हैं आगे, इसको पहले मैं रब कर लेता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन का जो फोर्थ प्रॉब्लम दिया हुआ है, फोर्थ में दिया है 2028, प्रोसेस वही है, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, 2028 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 0 = 0, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, फिर से लास्ट में इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 5 = 10, अब यहाँ 1 तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो पहले 2 × 0 = 0 करेंगे, तो अब ये हो गया 14, तो 2 × 7 = 14, 5 × 0 = 7, अब ये 2 से तो डिवाइड हो नहीं सकता, 3 से ट्राई करके देखते हैं, 3 × 1 = 3, यहाँ बच गया 2, ये हो गया 20, 3 × 6 = 18, फिर बच गया 2, ये हो गया 27, 3 × 9 = 27, 3 से डिविजिबल है, देखो 3 × 1 = 3 हो गया, यहाँ 2 बच गया, ये हो गया 20, 3 × 6 = 18 हो गया, यहाँ 2 बच गया, ये हो गया 27, 3 × 9 = 27, 169, अब देखो 169 जो है ये 3 से डिविजिबल नहीं है, आप ट्राई करके देखो, 3 × 5 = 15 होगा, 1 बचेगा, ये हो गया 19, 3 के टेबल में 19 नहीं आता, 4 से भी नहीं हो सकता क्योंकि अगर किसी नंबर को 4 से डिवाइड करना है तो लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए, 5 से नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में 5 या 0 होना चाहिए 5 से डिवाइड करने के लिए, 6 से भी नहीं हो सकता क्योंकि 6 से भी अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब उसके लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए, या लास्ट में इवन नंबर नहीं है, इसके लास्ट में ऑड नंबर है, 7 से ट्राई करते हैं, 7 × 2 = 14 होगा, और यहाँ बच गया 2, ये हो गया 29, तो 7 के टेबल में 29 नहीं आता है, ठीक है, तो 7 से भी नहीं हो सकता, 8 से भी डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 8 से डिवाइड करने के लिए भी लास्ट में इवन नंबर चाहिए, 9 से ट्राई करते हैं, 9 × 1 = 9, ये यहाँ बच गया 7, ये हो गया 79, तो 9 के टेबल में 79 भी नहीं आता। अब 169 जो है 1 से लेकर 9 तक किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको एक ट्रिक यूज़ करना है, इसका लास्ट नंबर देखना है, लास्ट नंबर है इसका 9, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं, मैं यहाँ पर 1 से 10 तक का सबका स्क्वायर नंबर लिखता हूँ, देखो 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 9 का स्क्वायर हो गया 81 और 10 का स्क्वायर हो गया 100। अब आपको क्या करना है, देखो ये जो नंबर है इसके लास्ट में 9 है, तो आपको ये देखना है कि कौन कौन से नंबर का स्क्वायर करने पर लास्ट में 9 आता है, 3 का स्क्वायर करने पर लास्ट में 9 आता है और 7 का स्क्वायर करने पर लास्ट में 9 आता है 49, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है जिसका लास्ट में 9 आए, तो ठीक है ये सबको मैं हटा देता हूँ। अब आप इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी आप 13 का स्क्वायर करोगे तो भी लास्ट में 9 आएगा, अगर आप 17 का स्क्वायर करोगे तो भी लास्ट में 9 आएगा, अगर आप 23 का स्क्वायर करोगे तो भी लास्ट में 9 आएगा, 27 का स्क्वायर करोगे तो भी लास्ट में 9 आएगा, 37 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 9 आएगा, 33 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 9 आएगा। तो आपको क्या करना है, अब आपके पास दो नंबर है, ठीक है 3, 7, ये तो हम चेक कर चुके हैं, अब अपन करते हैं 13 का स्क्वायर, ठीक है तो अपन देखते हैं 13 × 13, क्योंकि इसके भी लास्ट में 9 आएगा, 3 × 3 = 9 हो गया, 3 × 1 = 3 हो गया, × 1 × 3 = 3, 1 × 1 = 1, ये आ गया 9, 6 और ये 1,
13 इंटू 13 169 होता है, तो अपन यहाँ डिवाइड कर सकते हैं 13 इंटू 13। इनकेस अगर 13 से नहीं आता तो आपको 17 इंटू 17 करना पड़ता, 17 से भी नहीं आता तो 23 इंटू 23, उससे भी नहीं आता तो 27 इंटू 27, उससे भी नहीं आता तो 33 इंटू 33, फिर 37 इंटू 37, ऐसे करके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो जब कभी भी आप ऐसे नंबर में आके फंस जाओ जो कि 1 से लेकर 9 तक किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इस तरह का ट्रिक आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब मैं 13 से इसको डिवाइड करता हूँ 1 टाइम्स में। तो यहाँ पर देखो इसका एलसीएम क्या आ रहा है, इसका एलसीएम आ रहा है 2 इंटू 2, ये जो 3 अकेला है इसको लास्ट में लिख लेता हूँ, इंटू 13 इंटू 13 इंटू 3। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 13 आप लास्ट में लिखो या बीच में लिखो, एक ही मतलब है। अब यहाँ पर पेयर किसका किसका बन रहा है, 2 का एक पेयर बन रहा है, 13 का एक पेयर बन रहा है, लेकिन 3 यहाँ पर अकेला है। अब क्या करेंगे, 2028 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2028 इंटू 3, यहाँ पर इंटू करके देखते हैं, अगर 2028 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए, 3 8 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 8, 3 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6, 6 0 8 4। ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि इसके लास्ट में 4 आ रहा है, तो जो कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है उसके लास्ट में 4 आ सकता है। ठीक है, ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट हमको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 6084 इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए फिर से एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, ये सारे नंबर्स तो रहेंगे ही, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू सॉरी इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13। ठीक है, इंटू, अब यहाँ पर 3 अकेला था, फिर से यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पर 3 इंटू 3 भी आएगा, 3 का भी पेयर बन गया, ये सब रहेगा अंडर रूट के स्क्वायर रूट के अंदर। तो यहाँ पर 2 का पेयर है, 13 का पेयर है, 3 का पेयर है, सारे पेयर में से एक एक नंबर बाहर आएगा, यहाँ से एक 2 बाहर आ गया, यहाँ से एक 13 बाहर आ गया, यहाँ से एक 3 बाहर आ गया, 13 इंटू 2 हो गया 26, 26 इंटू 3, 26 इंटू 3, 3 6 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 9 सॉरी 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, 78 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो जब भी इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको स्क्वायर रूट निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे नंबर्स आप लिख दो, साथ में जो नंबर पेयर नहीं बना पा रहा था उसका यहाँ पर आपको पेयर लिख देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, इसी के बाद में मैं यहाँ पर पहले रब कर देता हूँ फिर आगे देखते हैं, आगे देखते हैं फिफ्थ का जो फिफ्थ प्रॉब्लम है, फिफ्थ का फिफ्थ प्रॉब्लम है 1458, इसका एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले, तो 1458 लास्ट में 8 है, 2 से डिविजिबल है, 2 से कर लेते हैं, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, यहाँ 1 बच गया, ये हो गया 18, 2 9 ज़ा 18। अब ये 2 से तो डिविजिबल नहीं है, इसको एक काम करते हैं 3 से ट्राई करते हैं, 3 2 ज़ा 6, ये हो गया 12, 3 से डिविजिबल है, देखो 3 2 ज़ा 6 हो गया, यहाँ 1 बच गया, ये हो गया 12, 3 4 ज़ा 12, और ये 3 3 ज़ा 9, फिर से 3 से डिविजिबल है शायद, हाँ डिविजिबल है, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, फिर से ये 3 से डिविजिबल है, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ा 6, यहाँ बच गया 2, ये हो गया 21, 3 7 ज़ा 21, फिर से 3 से डिविजिबल है, 3 9 ज़ा 27, फिर से 3 से करेंगे, 3 3 ज़ा 9, और लास्ट में 3 से करेंगे, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 बार 3 है और 1 बार 2 है। ठीक है, तो वैसे ही करते हैं, 2 को लास्ट में लिख लेंगे अपन, 3 इंटू 3 एक हो गया, 3 इंटू 3 दूसरा पेयर, 3 इंटू 3 6 बार 2 3 हो गया, इंटू 1 बार 2 है तो यहाँ आ गया 2, सॉरी ये स्क्वायर रूट के अंदर नहीं रहेगा अभी। ठीक है, यहाँ पर अपन सिर्फ इसका एलसीएम निकाल रहे हैं, इसका स्क्वायर रूट नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसको स्क्वायर रूट के अंदर नहीं लिखना है। तो अब क्या होगा, देखो 3 का एक पेयर है, 3 का दूसरा पेयर है, 3 का तीसरा पेयर है, लेकिन 2 अकेला है, तो क्या करेंगे, इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 1458 इंटू 2 यहीं से कर लेते हैं, 2 8 ज़ा हो गया 16, यहाँ आ गया 1, 2 5 ज़ा 10 प्लस 1 11, फिर आ गया 1, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9 और 2 1 ज़ा 2, 2 9 1 6, ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अगर यहाँ पर आप स्क्वायर रूट निकालोगे 2 9 1 6 का, आप यहाँ पर एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेना, अगर मेरे से कोई गलती हो रहा है तो आप इसको करेक्शन कर लेना, और डिस्क्रिप्शन सॉरी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। ठीक है, ताकि बाकी स्टूडेंट्स के लिए हेल्प हो जाए।
तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, इसी नंबर को यहां पर लिख लेंगे। ये सारे फैक्टर्स इसके भी होंगे तो यहां आएगा, देखो 3 × 3 × 6 बार आएगा, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 2। अब 2 अकेला था, यहां पर 2 दो बार आ जाएगा, पेयर हो गया, 3 का 1 2 3 पेयर, 2 का 1 पेयर, बाहर निकालेंगे एक एक पेयर में से एक एक नंबर, ये हो गया 3 × यहां से एक नंबर 3 × यहां से एक नंबर 3 × यहां से एक नंबर 2। 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 2 = 54, 27 × 2 = 14, 2 × 2 = 4 + 1 = 5, तो यहाँ आ गया 54। जब भी आप 54 का स्क्वायर करोगे तो आपको 2916 ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ के बाद, इसी के आप यहाँ पर कर लेते हैं सिक्स्थ प्रॉब्लम, ये लास्ट है 768। 768 को परफेक्ट नंबर बनाने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, उसके लिए हम लोग को यहाँ पर एलसीएम निकालना है। तो 768 का अगर आप एलसीएम निकालोगे, 2 से डिविजिबल है, 2 से करेंगे, 2 × 3 = 6, यहाँ 1 बच गया, ये हो गया 16, 2 × 8 = 16, और ये 2 × 4 = 8, फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 × 1 = 2, 1 बच गया, ये हो गया 18, 2 × 9 = 18, 2 × 2 = 4, फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 × 9 = 18, और यहाँ 1 बच गया, ये हो गया 12, 2 × 6 = 12, फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 × 4 = 8, यहाँ बच गया 1, ये 16, 2 × 8 = 16, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 × 6 = 12, फिर से 2 से कर सकते हैं, 2 × 3 = 6, अब लास्ट में आ गया 3 और ये 1। तो यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 बार 2 है और 1 बार 3 है, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 8 बार हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, इंटू 3, लास्ट में एक ही 3 है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 का तो 4 पेयर बन गया है, 3 अकेला बच गया है, तो इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 768 × 3। जब 768 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 3 = 24, 3 × 6 = 18 + 2 = 20, 3 × 7 = 21 + 2 = 23, 2304। तो आपको एक परफेक्ट स्क्वायर मिल गया, क्योंकि इसके लास्ट में 4 है इसलिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। अब 2304 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए फिर से एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, ये सारे फैक्टर्स इसके भी होंगे, तो यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट के अंदर में लिखना है 2 × 2, सारे जो नंबर्स यहाँ पर है, × 2 × 2, 8 × 2 था, × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार हो गया। अब जो 3 है ये अकेला था, ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पर 2 बार 3 आ जाएगा, 3 × 3। अब 1, 2, 3, 4 बार 2 है, और मतलब 4 पेयर 2 का है, 3 का 1 पेयर है, तो यहाँ से 1 बार 2, यहाँ से 1 2, इंटू यहाँ से 1 2, इंटू यहाँ का 1 2, इंटू यहाँ से 1 3, ठीक है, बाहर निकल गया। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 3 = 48, 16 × 3 करेंगे, 3 × 6 = 18, 3 × 1 = 3 + 1 = 4, 48 आ गया, ठीक, तो यहाँ आ गया 48, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो। करना क्या है, केवल आपको पहले उसका एलसीएम निकाल लेना है, एलसीएम निकालने के बाद देख लेना है कौन कौन से नंबर पेयर में है, जो नंबर पेयर में नहीं आएगा उसमें से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो जो आंसर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर बनने के बाद इसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए फिर से आपको कंप्लीट एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है, जो आप पहले एलसीएम निकाल चुके हो वो कंप्लीट लिख लेना है, और जो नंबर पेयर में नहीं था उसका पेयर भी बना देना है, ठीक है। फिर आप एक एक नंबर बाहर निकालोगे, मल्टीप्लाई करोगे और इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 6.3 का।